दुखद बात यह है कि उनका प्लान किसी अपने फ्रेंड्स के साथ बना हुआ था। अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, अब हम गए हैं पहुंच। ये कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए, कैसा बनेगा कैसा है वो आपको बता देंगे, क्योंकि मैं पहले खा चुका हूँ तो मुझे पता है यहाँ का टेस्ट बहुत बढ़िया है। पहले टेस्ट करते हैं पनीर पकौड़े। भाई अगर आपको दिख रहा हो इस वीडियो में कि यहाँ पर कितना क्राउड है और 10:30 हो चुके हैं, उस हिसाब से देखो कितना क्राउड है वीकेंड के टाइम पर, बहुत ज्यादा है। ये देखो देख लो खुद क्या हाल हो रखा रूम का, और मुझे इसमें सोना पड़ रहा है। तो एक ही दिन के लिए है, उसके बाद हम कल सुबह शायद निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या कर लिया, और जलियांवाला बाग भी देख लिया, बाघा बॉर्डर भी चले गए। तो फिलहाल चलते हैं। तो ये जो टाइम है ये 5 बजे का टाइम है, और 5 बजे भी यहाँ पर इतनी भीड़ है और हमारी हालत बेहाल है, क्योंकि हम 12-1 बजे सोए और अब उठ चुके हैं, और अब यहाँ से घर जाने की वापसी। तो अब बस में चढ़ते हैं और स्टेशन चलते हैं। चलो अब हमारा सारा काम डन हो चुका है, बल्कि हम 2 घंटे पहले आ चुके हैं। जो 5:10 की ट्रेन थी वो हमसे हो गई है मिस, अब 7:30 की दूसरी ट्रेन है तो वो भी आ जाएगी। 2 घंटे पहले ही आ गए हैं, तो अब यहीं पर बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं। दूसरा काम ये था, नहीं ये तो हो गया। और इससे पहले जब हम टिकट लेने गए, 225 की 2 टिकट थी, हमने दे दिए 325। बंदा ठीक था और उसने 100 रुपए वापस दे दिए, जबकि कोई प्रूफ नहीं था मेरे पास, और मैंने दिए 325 ही थे, 350 दिए थे, उसने वापस कर दिए। ये चीज सही थी, यहाँ पर अगर कहीं और होते तो वो तो रख लेते भाई, नहीं मिलते, पर ठीक है मिल गए वापस, किस्मत अच्छी। तो बस यहाँ पे बैठ के वेट करते हैं, तब तक आप ये देखो टाइम्स लैप। तो अब थोड़ी देर फ्री बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सा बता दें कि हमारा अप्रॉक्स कितना लग चुका है। तो मोहाली से हमें अमृतसर आने के लिए पर पर्सन पड़ा 110 रुपए की टिकट, और उसके बाद यहाँ से गोल्डन टेम्पल तक जाने के लिए फ्री में एक बस सेवा चलती है, वो भी ले सकते हो आप, और 20 रुपए का या तो ऑटो भी ले सकते हो। और इससे अलग रूम हमारा पड़ा, जो हमारा डोमेट्री था, वैसे वीकेंड की वजह से वो 400 रुपए पर हेड था। अदर देन दैट अगर आप रूम लेते हो तो आपको 700-800 का पड़ेगा नॉन एसी, और एसी आपको पड़ेगा 1000-1200 का। बट वीकेंड के करके जो मतलब ये टाइम जो है ये पीक टाइम है, जितनी बार भी मैं यहाँ पर आया हूँ उनमें सबसे ज्यादा भीड़ इसी टाइम थी। यहाँ से अमृतसर तक पहुंच गए, डोमेट्री का बता दिया मैंने आपको, होटल्स का बता दिया। अब इसके बाद का जो गोल्डन टेम्पल है उसके बाहर जो जगह है, यहाँ पर आपको सब पूछेंगे कि बाघा बॉर्डर कितने कब जाना है, ये है वो है, तो वो आपको नंबर देंगे अपना और आपसे एक हाफ अमाउंट लेंगे, तो उसके थ्रू आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे और वो आपको लेकर जाएंगे और ड्रॉप भी करेंगे। तो 32 किलोमीटर का आने का और 32 जाने का होता है, तो 64 किलोमीटर हो गया। तो बंदों के ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑटो चलाएंगे और ऑटो में लेके जाएंगे, कोई गाड़ी नहीं होगी ऑटो होगा, और आपको पर हेड पड़ेगा 150-200 के अप्रोक्स में हो जाएगा। बाकी बार्गेनिंग स्किल्स आपके अगर अच्छे होंगे तो 150-130 तक हो जाएगा, बट 150 कम से कम होगा, और मैक्सिमम 200 और 250। खाने पीने का यार यहाँ पर सही है, एक टाइम आप लंगर में खा सकते हो, और अगर आपका 2 दिन का ट्रैवल है तो 2 दिन रात को लंगर खाओ और सुबह के टाइम जो आपने खाना है, लंगर तो 24 घंटे चलता है, जिस मर्जी टाइम खाओ आप। बस अभी तक तो इतना ही था, अगर कुछ और होगा खर्चे में वो भी बता देंगे। और यहाँ से जो ट्रेन जाती है, हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से ट्रेन थी हमारी सुबह 7 बजे की, और उसने ड्रॉप करा था हमें 11:30, तो यहाँ से भी सेम वही टाइमिंग है, 7:30 की है। इससे पहले 5:30 की थी, 5:10 की थी, वो हम मिस कर चुके हैं। बट उसके बाद वाली जो ट्रेन है 7:30, वो शायद हमें अप्रॉक्सीमेट 12 बजे चंडीगढ़ छोड़ देगी, वहाँ से फिर हमें चंडीगढ़ से घर जाना पड़ेगा, वो देखते हैं किस तरीके से जाएंगे। तो लमसम पर हेड अप्रॉक्स 1000-1200 के बीच में आ जाएगा पर हेड, 1000-1200-1500, तो इतना ठीक है, और घूम भी लोगे दर्शन कर लोगे। पर आना ठंड के टाइम पर थोड़ा, मतलब जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और अक्टूबर, उस टाइम पर सबसे सही रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर वेकेशन है भाई, गर्मी अलग लेती है और लोग अलग, इतनी गर्मी होती है यहाँ पर, तो उसका देख के आना। और एक और चीज़ वो देखो, पापा मस्त वहीं पर डेरा डाल के सो गए हैं, क्योंकि 7:30 की ट्रेन है, तो पापा कह रहे बस मैं यहाँ पे सो रहा हूँ 1 घंटा, मुझे चेड़ी मत, तो मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ। मस्त वहाँ पे सो रहे हैं, रुमाल रख के कि मुझे कोई तंग ना करे, मस्त सही चल रहा है उनका। चलते हैं, पापा भी तैयार हो लिए,
हो गए तैयार? बाबा नींद में चल रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारा सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ तक ख़त्म होने वाला है। मोहाली स्टेशन ये वाली ट्रेन थी, तो यहाँ से अमृतसर से सीधा मुंबई जाएगी और यहाँ पर रुकी और उसके बाद दिल्ली वहाँ से होती भी जाएगी। पर सही था, थक गए यार ट्रेन में। अगली बारी बस से ट्राई करेंगे अपनी खुद की गाड़ी या टैक्सी। खुद की गाड़ी में तो टाइम लगेगा पर टैक्सी और बस का ऑप्शन रख सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल देख रहे हो। चलो यार ट्राई करते हैं, ऊबर आबर करेंगे या ऑटो ऑटो से जाएंगे घर, उसके बाद प्रोसेस बताते हैं। घर ही मिलते हैं, वरना अगर कैब कर लेंगे तो घर मिलेंगे, वरना रास्ते में मिलते रहेंगे। कितने माम? 180। ये कौन सा तरीका? तो अभी थोड़ा पैदल चलेंगे और पापा एक ही बात बोल रहे हैं कि मुझे खुद का ऑटो लेके आ जाना चाहिए था, जितने यहाँ से जाने के लगते उतने कमा भी लेते। बात भी सही है, पर हमारे से ये गलती हुई थी, हमें पता नहीं था यहाँ पर पार्किंग भी है। पापा को ये था कि यहाँ पर पार्किंग अभी स्टार्ट हुई होगी शायद 1-1.5 साल पहले, पहले नहीं थी वो मुझे भी पता है, बट अब है तो अब कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे पैदल, उसके बाद आईसर तक, आईसर से सीधा गोपाल, गोपाल से फिर घर का, क्योंकि ऊबर तो बहुत ज़्यादा ले रही है यार, तो वो देने नहीं हमने, जो है अब वो यही है। अरे भाई हम संकेत के डैडी हैं, मोड़ के बोल रहा इधर को अपनी तरफ को। इधर ले भाई, प्रॉपर पीछे करके। हाँ आई एम संकेत के डैडी। आई एम संकेत के डैडी ये बोलना, या तो हिंदी बोलो या तो इंग्लिश बोलो। अच्छा ठीक है भाई, ये मेरा बेटा है संकेत कुमार। हम अमृतसर गए थे, ट्रेन में ही वापस आ गए और यहाँ से अब हम घर के लिए वापसी जा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद हम बाहर से ऑटो पकड़ेंगे, यहाँ वाले ऑटो वाले 300 रुपये मांगते हैं, इतनी हमारी पॉकेट अलाउड नहीं करती देने के लिए। ठीक है, पॉकेट अलाउड। हाँ तो हम बाहर से शेयरिंग ऑटो पकड़ेंगे आराम से। शेयरिंग ऑटो, इतनी टू मच इंग्लिश। हाँ ठीक है जी सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो मुझे भी देर, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा ये तो बताओ कैसा लगा था? बहुत बढ़िया लगा, वहाँ पर बढ़िया लगा, फर्स्ट क्लास। यहाँ को निकल लेते हैं, यहाँ पर कौन सा रास्ता है? चलो। अच्छा वैसे बताओ गुरुद्वारा साहिब कैसा था? बहुत बढ़िया भाई, चीज देखने वाली है भाई। और वो वैष्णो मंदिर? वो भी बहुत ही अच्छा था, वो तो लाइफ में सारे धाम का एक ही बार दर्शन हो गया। हाँ ये तो था, सारे देवी देवता वही है, नाच बार बार जगह जगह मंदिर में जाओ, एक ही मंदिर में दर्शन कर लो सबके। और गुरुद्वारा साहिब? गुरुद्वारा साहिब भी बहुत अच्छा था भाई, बहुत बढ़िया लगा। वाघा बॉर्डर भी सबसे बेस्ट लगा। हाँ वहाँ पर तो, वहाँ तो नज़ारा ही आ गया जिंदगी का देखने का। हाँ ओके, तो अगली बार जाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। किस पे जाओगे, ट्रेन में? ये पता नहीं मालिक, क्या तो अपनी गाड़ी से ही भेज दे। हाँ हाँ अच्छा, तो वो बताओ ना कि वो होटल कैसे थे? होटल नहीं, अगर ले रहे हो तो डीलक्स लेना, डीलक्स ना वही जो 2018 तक का पड़ेगा, एसी वाला 1500 और 2 के बीच में। हाँ वो पड़ेगा, क्योंकि वॉशरूम उनके सही होते हैं। इनके वॉशरूम ठीक नहीं रहे हैं भाई, बहुत गंदे थे, बहुत गंदे हो ना, साफ सफाई कुछ कोई नहीं। साफ सफाई कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो चलो आपको फीडबैक दे दिया, बस होटल होटल का छोड़ के बाकी सब प्रॉपर था, खाना भी सही था। और वो कुलचे, ओ कुलचे, कुलचे तो ठीक थे, सूखे सूखे थे, टेस्ट नहीं है यार, रेट ज्यादा था उनका। हाँ 70 रुपए का एक, 70 रुपए जब तक वो 30 तक थे, मुझे लगा 35 तक है। 30 नहीं, 35 नहीं तो 40 का जायज था वो, 30 रुपए माल तो लिया। 70 रुपए यार बहुत ज्यादा थे उसके, छोले कोई टेस्ट नहीं थे उसके, छोलों में नमक था थोड़ा ज्यादा, नमक भी तेज था और कोई टेस्ट नहीं, मसाला ही कुछ नहीं था, ऐसे तो घर में भी नहीं बनते। ये भी है, जब तुम इतनी फेमस दुकान चला रहे हो तो उसके लिए क्वांटिटी दो अच्छे इंसान को, क्या दें? क्वांटिटी, क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वांटिटी, क्वांटिटी बहुत बढ़िया देनी चाहिए। हाँ वो लस्सी तो अच्छी थी, लस्सी बहुत बेस्ट यार, वो तो भूल ही गया। क्या लस्सी पीनी थी दोबारा वहाँ की? हाँ यार तो बता देते, जब सुबह निकले बस चलो, पर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे जब संदीप भाई और मम्मी के साथ जाएंगे, तो अगली बार प्लान करेंगे, ये भी वहीं खाना खाएंगे, बैठ के भी खाना वहीं खाएंगे। हाँ अच्छा था वहाँ का, हाँ ठीक। तो चलो, खास बात वहाँ थी ये कि वहाँ जेंट्स स्टाफ नहीं था, लेडी स्टाफ था। ओ भाई ये मेरे से भी ज्यादा बता रहे हैं, इतना तो मैं भी डिटेल में नहीं बताता। और सर्विस भी ठीक थी, इतनी मतलब वो नहीं थी, सर्विस भी अच्छी थी और रेट भी ठीक थे, रेट भी रीजनेबल थे, रेट भी ठीक थे, रीजनेबल थे, बढ़िया। यार मैं तो उन चीजों पे अभी भी हैंग हो रखा हूँ, शेयरिंग ऑटो करेंगे
क्या बात है, शेयरिंग ऑटो करेंगे। और क्या था कि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, अलाउ नहीं करती भाई। हम क्यों दे 300 रुपए जब हमें सारा ज्ञान है, ये तो है। क्या होएगा, ये तो है बिल्कुल, एक एक चीज का। तब थोड़ा सा चल दिया, पर पैसा बच गया काफी, बहुत पैसा बचेगा। यहाँ से निकलेंगे सीधा मेन रोड पाएंगे। हाँ तो चलो आपको आगे मिलते हैं रस्ते में। तो भाई हम चलते चलते देखो आइसर तक आ गए हैं। कैब दो बार बुक करी, नहीं हुई। पापा के फोन में डाउनलोड करी, वो ओपन ही नहीं हो रही है। अब ऑटो का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ से ऑटो लेंगे, फिर भाई को बुलाएंगे, ये प्रोसेस रहेगा। अब तो हमारा भाई आ गया, ये रहा। चलो ड्राइवर, हाँ चल रहा हूँ सर, पीछे क्यों बात कर लो, क्या बात करें, चलो घर चल के बात करेंगे। बैठो, पापा को ब्लॉगर क्यों बना रहा है, पर टांग नहीं उठ रही। अरे पापा ने बात करी है, आके हो जाओ। नीचे से पकड़ो ना, यहाँ से नीचे। एक मिनट, हाँ जी, हम बाइक पे जा रहे हैं, हम भाई घर के लिए, बड़ा बेटा बुलाया है, ये बाइक पे लेके जा रहा है, ये रहा, ये देखो, चलो तो मिलते हैं घर आपसे। तो दोस्तों आगे अपने घर, होम स्वीट होम।